नमस्कार साथियों कैसे हैं आप सभी आई होप सभी अच्छे होंगे खुश होंगे और सीटी की तैयारी कर रहे होंगे डेली कुछ ना कुछ अपडेट सीटी में मिल मिल रहा है भाई ठीक है कुछ ना कुछ चेंजिंग हो रहे हैं अभी जो खबर मार्केट में घूम रही है वो ये है कि जो पहले हमारा दावा था कि एन ही आपका एग्जाम लेगी लेकिन अभी एक बड़ा बदलाव आ गया है क्योंकि इसको एच कहते हैं एच ने क्या दावा किया है कि अब की बार एग्ज़ाम हम खुद लेंगे आपका जो सीट एग्ज़ाम होगा वो एच अपनी तरफ से लेगा ना कि एन पिछली बार देखा था आपने कि एन की तरफ से आप सीट एग्ज़ाम हुआ था प्रॉपर तरीके से सिलेबस मैंशन था कितने क्वेश्चन किस चीज़ के डालने हैं वो सब कुछ उन्होंने दिया हुआ था लेकिन अभी तक एच ने कोई सिलेबस जारी नहीं किया है ना ही कोई अभी तक डेट है एच एस तो ये भी कह रही है कि 10 नवंबर को हम नोटिफिकेशन डाल देंगे कि आपके सीट के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे लेकिन आज 6 तारीख हो चुकी है और चार ही दिन बाकी हैं तो देखते हैं कि चार दिन में क्या होता है क्या एच अपने वादों पर खड़ी उतरती है या पीछे की तरह ही बच्चों को गुमराह करेगी आप पीछे देख सक्यो हो कि एच ने क्या किया था अभी तक तो सभी जो पीछे पेंडिंग एग्ज़ाम थे उनका रिजल्ट ही नहीं दिया बार बार कोर्ट केस हो गए या कुछ भी फिर रिलैक्स आ गए अभी नायब सिंह सैनी ने ऐलान तो किया था और कुछ किया भी है चलो दो परसेंट तो नहीं चलो अस्सी 70 सत्तर परसेंट तो काम किया ही है चलिए आज देखते हैं कि क्या खबर है काफ़ी बच्चों को खबर पता चल भी गई होगी कि, कि इतने बच्चे जैसी ने अंदाज़ा लगाया है कि दस से बारह लाख बच्चे पेपर देंगे चलिए देख लेते हैं क्या है ये ले ये है वही खबर ठीक है तो सीटी के लिए इसी सप्ताह जारी हो सकती है अधिसूचना ये पिछले एक महीने से हम कंटिन्यू बात सुन रहे हैं कि सीटी की डिटेल है जो एच में जाएगी फिर वो पारित की जाएगी फिर उस पर संशोधन होगा या जो भी होगा अभी तक हम पिछले एक डेढ़ महीने से इसी इन्हीं बातों में घूम रहे हैं काफी वीडियो आपने देख ली है हजारों वीडियो सी के ऊपर बनी हुई है किसी ने क्लियर नहीं कर रखा हर कोई नया हमने लगा देता है सीटी में ये होगा वो होगा लेकिन हुआ अभी तक कुछ नहीं है तो जो भी होगा देखा जाएगा आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें चलिए देख लेते हैं कि क्या दिखे ठीक है तो सीटी के लिए इसी सप्ताह जारी हो सकती है अधिसूचना ठीक है भाई परीक्षा दिसंबर में संभव है ये ये जो पॉइंट है ना यही गुमराह कर रहा है हमें क्या दिसंबर में परीक्षा होगी अगर परीक्षा होती है तो उसका नोटिफिकेशन अभी तक क्यों नहीं आया रजिस्ट्रेशन स्टार्ट क्यों नहीं हुए सेंटर अभी तक क्यों नहीं लाउट किए अब एंड टाइम पे एजेंसी चेंज हो गई है एजेंसी चेंज होने से भी काफ़ी फर्क पड़ेगा भाई क्योंकि एन टी का तो सिलेबस फिक्स था पैटर्न उनका फिक्स है कि कैसे हमें एग्जाम कन्वर्ट कराना है लेकिन एच का कोई ऐसा मूड नहीं है उनको तो पीछे पहले पता था कि आपने पर्सन पता नहीं डी ग्रुप के उसमें एच एस लेवल तक का एग्ज़ाम आया हुआ था बच्चे भी काफ़ी नाराज थे अब की बार वही काम ना हो जाए कि भर्ती को लंबा खींचने के लिए वापसी एच एस सी में तो नहीं आ गए अगर ऐसा होता है तो फिर ये भर्ती आपकी बहुत लंबी चली जाएगी ठीक है तो देख लेते हैं भाई सरकारी नौकरी के लिए सी टी इंतजार में बैठे हैं दस लाख एच एस सी का मानना है कि तकरीबन दस लाख बच्चे परीक्षा देंगे अब जो बच्चे पीछे से तैयारी कर रहे हैं उनको ये डाउट है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है दस लाख बच्चे कैसे एग्जाम देंगे ठीक है तो इसी के बारे में बात कर लेते हैं हम ठीक है मान लो अगर दस लाख बच्चे पेपर दे रहे हैं दस लाख में से तीन चार लाख बच्चे तो ऐसे हैं जिसने अभी दसवीं और प्लस टू पास किए तो ये तो आपके कंपटीशन लेवल में है ही नहीं ठीक है उनमें से दो तीन लाख बच्चे ऐसे होंगे जो सिर्फ मज़े के लिए दूर का सेंटर भरेंगे बस में बैठ के जाएंगे और वहां पर कुछ अच्छा हा चाय पकौड़ा नाश्ता लेके फिर वापसी से हमको घर आ जाएंगे क्योंकि उन्हें सिर्फ ये दिखाना है अपने घर वालों को कि हम एग्जाम देने जा रहे हैं हमारी तैयारी है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है वो सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए वहाँ जा रहे हैं ठीक है तो इसके बाद जैसे दस लाख थे इसमें से तीन लाख ये कम हो गए और तीन ये हो गई बच गए चार लाख चार लाख बच्चों में से जो दो लाख बच्चे हैं वो प्रॉपर कंटिन्यू पिछले चार से पांच सालों से तैयारी कर रहे हैं तो आपका जो कंपटीशन है आपका जो कंपटीशन है वो सिर्फ उन्हीं दो से तीन लाख बच्चों के अंडर में आएगा ठीक है तो घबराने की जरूरत नहीं है आपने जो कंटिन्यू आप तैयारी कर रहे हैं उसी बेस पर तैयारी करते रहें इसके अलावा ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है कि सर दस लाख बच्चे आ गए दस लाख का कंपटीशन नहीं है आपका कंपटीशन केवल उन्हीं दो लाख बच्चों के अंडर है जो पहले था अभी जो नए बच्चे आए हैं उनकी जो लिस्ट है वो सिर्फ किसी के तीस नंबर आएंगे किसी के चालीस नंबर आएंगे ठीक है इनका तो आपको देखना ही नहीं है कुछ सिर्फ आप अपनी पढ़ाई पर फोकस रखो ठीक है ना कंपटीशन केवल आपका दो लाख बच्चों में रहेगा और इसको क्वालिफाई करने की बात अभी चल रही है या ग्रुप वाइज होगा वो अभी तक डाउट में है खुद ऐसी को नहीं पता कि क्वालिफाई करना चाहिए या ग्रुप वाइज जैसे नंबर आ गए मान लो सत्तर नंबर पे इन्होंने लगा दी लिस्ट तो सत्तर नंबर के हिसाब से आगे जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है या डिप्लोमा है उस बेस पर आपको डायरेक्ट ज्वाइन की जाए ठीक है ना इस पर भी अभी संशोधन चल रहा है चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या दिया उन्होंने 10 नवंबर से सी के लिए पंजीकरण शुरू हो सकता है भाई दिन बाकी हैं देख लेते हैं अगर 10 नवंबर को पंजीकरण शुरू हो जाता है तो हम मान लेते हैं कि एच अपने वादों पर खरी उतर रही है जो नयाब सिंह सैनी है वो अपना काम प्रॉपर निभा रहे हैं और जो एच के नए चेयरमैन है हिम्मत जी वो भी पूरा जोर लगा रहे हैं कि जो पिछले एच एस सी के बारे में रूमर फैला था वो अब की बार ना हो ठीक है चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं दिसंबर के अंत तक हो सकती है परीक्षा इस बार परीक्षा हरियाणा सरकार खुद आयोजित ये देखो इसका मतलब जो तो आपकी एंटी थी वो आपकी परीक्षा नहीं लेगी परीक्षा आपकी एच एस सी लेगी भाई ठीक है इन्होंने स्पेशल मेंशन कर दिया है ठीक प्रदेश सरकार द्वारा ग्रुप सी और डी की नौकरियों के लिए संयुक्त पात्रता परीक्षा ली जाती है इसी वैधता को तीन साल तक हाँ ये आपका कंफर्म है कि अब की सी जो है तीन साल के लिए वैलिड होगा ठीक है लेकिन अभी तक प्रदेश में मात्र एक ही बार सीटी टी हुआ था देखो पिछले भाई पांच सात सालों में एक बार सीटी हुआ होना कितने था हर साल एक सीटी होना था यानी अभी तक पांच से छह सीट आपके हो जाने चाहिए थे लेकिन हुआ कितना एक इसके बारे में आपका थोड़ा कंपटीशन बढ़ सकता है ठीक है इतना ही नहीं पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा कर्मचारी चयन को लिखित में दे चुके हैं कि नवंबर और दिसंबर के माह के बीच यह परीक्षा आयोजित की जाएगी कोर्ट में जा चुका है ठीक है अब दिसंबर मान लो ये नवंबर और दिसंबर कर रहे हैं कि हम एग्जाम लेंगे मान लेते हैं दस नवंबर को आपका नोटिफिकेशन आ गया पंद्रह तक आपके फॉर्म फिल होंगे ठीक है पंद्रह के बाद आपके सेंटर लोड किए जाएंगे करते करते पूरा नवंबर तो ऐसे ही निकल जाएगा उसके बाद पेपर बन गया या ना बना उसका तो अभी तक पता ही नहीं है भाई टी ए का तो हमें पता था ठीक है क्या सिलेबस में चेंज होगा ये भी अभी तक हमें कंफर्म नहीं है क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे एक्चुअल तो कंडीशन यही है ना कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे प्रॉपर सिलेबस ही मैंशन नहीं है अभी तक इनका ठीक है तो अनुमान है पच्चीस दिसंबर या पंद्रह जनवरी इस डेट के बीच आपका पेपर हो सकता है अगर एच अपनी कंडीशन पर खड़ी उतरती है अगर नोटिफिकेशन 10 नवंबर को आ जाता है तो ठीक है अभी देख लेते हैं चलिए आगे लिखा इन्होंने आयोग इस सरकार को प्रस्ताव भेजने की तैयारी तैयारी यही नहीं पता भाई कैसे होती है बनने बुनने बिठाएंगे घुड़ची करावेंगे घोड़िया बैठ के ले जाएंगे ही नहीं समझ मेरी तो रथ रात त्यार करा तो बोल देंगे भाई सारे टीचर ने बच्चों चलो भाई पर्चा दे गाना है नाचा गावे ढोल तो ढाल बजाने हैं तो पिछले दो महीने से यही बात बार बार चल रही है ठीक है हरियाणा सरकार चने की ओर से सीटी को लेकर प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है यह प्रस्ताव सरकार को भेजा जाएगा तैयार करने में बता भाई क्वेश्चन संविधान थोड़ी बनाना है पूरा है पूरा ग्रंथ लिखना एक स्टेट का मामला है कोई ये नहीं भाई कि पूरा प्रदेश इसके अंदर आ गया एक संशोधन नहीं किया जा रहा इनसे मेन बात तो है क्या लंबा चलना है अभी पांच साल भी निकालने हैं ठीक है तो अफवाहें तो फैलानी पड़ेंगी थोड़ी थोड़ी ताकि बच्चे भी शांत बैठे रहें बच्चों को ये लगे कि हाँ पेपर होगा 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 होते होते ये पता नहीं कहाँ तक जाएगा ठीक है ना हमारे तो यही है भाई पेपर हो जाए पांच नंबर वाला इसमें कंफर्म है पांच नंबर का लाभ नहीं मिलेगा पेपर सौ नंबर का आएगा आज की और जो कल की कटिंग थी ये परसों वाली कटिंग है कल की कटिंग में देखे हुए मुख्यमंत्री नया सैनी की अध्यक्षता में हुई बैठक सी टी क्वालिफाई करने पर चर्चा है चर्चा चल रहे है ठीक है ना चर्चा पर ध्यान नहीं देना है आप सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो ये तो सिर्फ आपको थोड़ा बताने आया था कि पेपर की एजेंसी चेंज हो गई है ठीक है लाखों युवा कर रहे हैं सी टी का इंतजार इकतीस दिसंबर तक आयोग सी ए टी कराने के लिए कह रहा है मतलब तो अगर इतना रूमर है तो हो भी सकता है मान के चलो हो गया आप सिर्फ अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखना है ठीक है ना इसके बारे में कोई चेंजिंग नहीं होगा सिलेबस आपको पता ही है वही हरियाणा जी के पच्चीस नंबर की आएगी पच्चीस नंबर की हरियाणा जी की होगी दस नंबर की करंट अफेयर होगी पंद्रह नंबर का मैथ आएगा पंद्रह नंबर की रीजनिंग आएगी दस नंबर की हिंदी आएगी आपकी ठीक है ऐसे कुल सौ नंबर का पेपर होगा आपका ठीक है ना तो इन फॉर्म पर ज्यादा ध्यान मत दिया करो पेपर होगा ये तो कंफर्म है आज नहीं कल हो जाएगा मान लो दिसंबर नहीं होगा जनवरी में हो जाएगा या फरवरी में हो जाएगा आपका काम इतना है सिर्फ आप पढ़ाई करते रहें इधर उधर की बातों पे ध्यान ना दें ठीक है ना और साथ के साथ हमारा भी हौसला बढ़ाते रहें चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए आज की इतना ही था सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो नोटिफिकेशन आते रहेंगे कोई इसकी तरफ नहीं देखना है जब रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाए बस अपना रजिस्ट्रेशन करके शांति से लाइब्रेरी ज्वाइन करके बैठ जाओ पढ़ाई करो ऑनलाइन बैच लो किसी का भी ले सकते हो अच्छे अच्छे बहुत है यूट्यूब पर फ्री भी पढ़ा रहे हैं टीचर सभी ठीक है तो उनसे आप सिलेबस कवर कर सकते हो अपना मैथ रीजनिंग में फोकस रखना है जीएस का टॉपिक ज़्यादा पढ़ना है ठीक है ना इसी का क्योंकि पीछे एच ने भी जीएस के क्वेश्चन ज़्यादा पूछ लेते हैं और लेवल उनका बहुत हाई था तो लेवल के बारे में आप हल्के में मत लेना आपकी बार एच को क्योंकि बच्चे भी ज़्यादा हैं तो लेवल इनका हाई ही आएगा अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें और जो हमारा भी टारगेट है दिसंबर तक दस के सब्सक्राइब करने का उसमें हमारा सहयोग करें चैनल को सब्सक्राइब करें शेयर करें लाइक करें कमेंट करें और अगली वीडियो किस टॉपिक पे बनाएं उसके बारे में भी आप जरूर कमेंट करें अभी आपसे लेते हैं विदा जय हिंद जय भारत